सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने रिसोर्ट से 35 किलोमीटर दूर। इतनी देर से मैं जो बात कर रहा था कि हम किधर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी हम हैं मंचर पे और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली मेरे को, वो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी को पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आ चुका हूँ मैं एक और नए व्लॉग वीडियो में। तो आज मैं और विपिन जी जा रहे हैं घूमने को, और किधर जा रहे हैं वो आपको वहीं जाके पता चलेगा। तो चलते हैं। विपिन जी काफी देर कर रहे हैं भाई, सुबह से कह रहा हूँ। ओ विपिन जी, हाँ। कब तक चल रहे? सुबह से कह रहा हूँ मैं आपको। अरे कभी भी रिकॉर्ड। तो भाई विपिन जी काफी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं हम सीधा वहीं मिलते हैं आप लोग को, और रास्ते में कुछ सीन भी दिखाते चलेंगे आप लोग को, फिर मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने रिसोर्ट से 35 किलोमीटर दूर, और हम जा रहे हैं नारायण गांव। सामने देख सकते हैं ये नारायण गांव की तरफ, और ये सामने वाली हाईवे नासिक की तरफ। तो जरा विपिन जी से पूछ लेते हैं कैसा लगा राइडिंग में। विपिन जी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ रहा है ना राइडिंग में? तो भाई हाईवे थोड़ा कहीं कहीं पे रोड का काम चालू है, तो धूल इतनी ज़्यादा है तो बता नहीं सकते, अभी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं नारायण गांव में, जाना है हमने, और क्यों जाना है नारायण गांव में ये बताएंगे आपको वहीं जाके। तो मिलते हैं आगे जाके। और सामने देख लो भाई, इस तरफ नारायण गांव का हाईवे, इस तरफ नासिक का हाईवे। नासिक फिर कभी जाएंगे, है ना? नासिक फिर कभी जाएंगे, अभी हमको जाना है नारायण गांव। तो मिलते हैं आपको सीधा जहां हम जा रहे हैं। सो गाइस इतनी देर से मैं जो बात कर रहा था कि हम किधर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ऊपर देख सकते हैं आप भाई, टैटू स्टूडियो। आज हम करा रहे हैं, हम नहीं मैं करा रहा हूँ टैटू। तो देखते हैं आज क्या क्या टैटू देखने को मिलते हैं, पहले देखते हैं फिर जाके एक चूज़ करते हैं, फिर बनाने का सोचते हैं कैसा है, प्राइस वगैरह वगैरह देखते हैं। तो चलते हैं ऊपर। विपिन जी के पैर में दर्द हैं, तो भाई ये सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। विपिन जी सीढ़ियाँ चढ़ने को तैयार? भाई विपिन जी के पैर में दर्द हैं और फिर भी उनको सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो चलो यार सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, मिलते हैं आपको सीधा स्टूडियो में। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे आके काफ़ी मतलब दो तीन पिक्स देखी। तो अभी हमने एक टैटू डन करा है, और सर का नाम है दीपक वावड़े। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, नारायण गांव में है, और DW टैटू स्टूडियो करके। आप अपना एड्रेस पूरी तरीके से बता देंगे? नारायण गांव में खोड़त रोड पे हीरो एक्वेरियस के सामने स्वामी विश्व बिल्डिंग करके, उधर फर्स्ट फ्लोर पे DW टैटू स्टूडियो। आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और जस्ट डायल पे भी है, आपको वहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आप, हम भी गूगल मैप के द्वारा ही आए हुए हैं इधर। तो अभी टैटू एक डन कराया है, तो अभी दिखाते थोड़ी देर में, और यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप भाई, बहुत सारे टैटू बनाए हुए हैं, और यहाँ पर एक सांड का बुल का टैटू भी बनाया गया है। और अभी हम देखेंगे भाई कितना दर्द होता है कितना नहीं। पहली बार करा रहा हूँ अपनी लाइफ में टैटू, तो आप दिखाना एक बार फ़ोटो। तो भाई अभी जो मैं टैटू करा रहा हूँ वो महादेव का टैटू है, और ये रहा वो जो कि मैं कराने वाला हूँ अपने हैंड पे, यहाँ पर कराने वाला हूँ मैं। तो इसको 3D में कितना होगा वैसे? 3D में ज़्यादा होगा? नहीं नहीं सेम वही बैठेगा, 3D में कर दोगे? तो हम इसको 3D में करने वाले हैं, तो देखते हैं भाई। और आप सब लोग एक्सप्रेशन देखना मेरे कि भाई कितना क्या होता है दर्द, मतलब पहली बार करा रहा हूँ तो कुछ अता पता नहीं है कि कितना दर्द होता है। तो चलो यार अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं, अभी से मेरी हार्ट बीट थोड़ा फास्ट हो रही है, थोड़ी देर में चलो शुरू करते हैं फिर। देखिए दोस्तों, तो अभी टैटू बनाने की प्रक्रिया चालू होने वाली है, और मैं आपको बता देता हूँ, सामने ये जो दाहिना हाथ है मेरा, इसमें मैं टैटू बनाने वाला हूँ, और यहाँ पर सर ने अपना पूरा सामान वामान रेडी कर लिया है। तो भाई एक्सप्रेशन देखने के लिए रेडी हो जाओ, देखते हैं कितना दर्द होता है कितना नहीं। पहली बार कर रहा हूँ, ज्यादा दर्द तो नहीं होता है ना सर? नहीं, पक्की बात ना? 2-3 मिनट उसके बाद माइंड हैबिचुअल हो जाता है। तो भाई चलो देखते हैं कितना होता है कितना नहीं। मैं विपिन जी को कह रहा हूँ शूट करने को, ये कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को भाई यहाँ पर सपोर्ट में लगाना पड़ रहा है फोन, तो यहाँ पर रखते हैं फोन और क्लियरिटी देखते हैं, नहीं आती है नहीं आती, फिर विपिन जी को करना पड़ेगा शूट। मेरी लाइफ का पहला डे है गाइस, महादेव के नाम एक लाइक बनता है। बस 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 हो
विपिन जी दर्द बांटने गए हैं। तो गाइस अभी स्टार्टिंग हो चुकी है टैटू की और काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है भाई, क्या ही बताऊँ। मेरे तो थोड़ा थोड़ा आंसू भी निकल चुके हैं, अभी हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका है बिल्कुल। तो देखते हैं अभी थोड़ा देर, मतलब अभी सीधा आपको फिनिशिंग में दिखाऊंगा, क्योंकि भाई विपिन जी तो भाग चुके हैं, दर्द बांटने बोला मैंने उनको, दर्द बांट नहीं रहे हैं, अब मैं सर के साथ बांट रहा हूँ दर्द। तो आपको एंडिंग में दिखाते हैं इसका दर्द कितने दिन तक रहेगा, आज और कल बस। मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम इस पर ऐसे भरोगे। मैं सोचा था जो ये है इस पर लाइन मार रही है बस। तो गाइस अभी आधा हो चुका है और जितनी ऊपर को आ रहा है ना भाई, ये मैं दर्द उतना ज़्यादा बढ़े जा रहा है अभी, और पता नहीं कितना सहना पड़ेगा। 3D में बना रहे हैं हम लोग, चलो देखते हैं। अभी तुमको सीधा फाइनल दिखाऊंगा भाई। राजस्थान का लगता हूँ आपको, गुजराती उत्तराखंडी में, उत्तराखंड के शेर लोग बहुत भारी रहते हैं। पहले मैं उत्तराखंड में था, ये उधर क्या था ना, उधर मेरे को मतलब व्लॉगिंग का नहीं हो रहा था, तो मैं फिर देखा कि होटल लाइन में व्लॉगिंग कर सकता हूँ। गया एक बार अभी जो पिछले महीने गया था मैं, अभी परसों या उधर जाके आए सीनरी फोर्ट। क्या होता है, हाँ घूमने का शौक नहीं है, हाँ घूमना पसंद है आपको तो, हाँ। तो ये मेरे छोटे से हाथ पे बन जाएगा क्या, ये मेरे छोटे से हाथ पे बन जा रहा, तुम्हारा तो इतना बड़ा, तेरा मेरे से बड़ा आता है, कहाँ बड़ा है, कितना छोटा सा हाथ है मेरा, हाँ छोटा सा हाथ, सांड की नाक बराबर तो हाथ होगा तुम्हारा। मस्त लग रहे हैं यार, तेरी शक्ल पे जस्ट नहीं रहे तभी तो हाथ पे बनाया है जब शक्ल पे नहीं जच रहे है। तो गाइस अभी मैंने बना लिया है टैटू, फाइनल हो चुका है, जो कि भाई इस हाथ से पकड़ा हुआ फोन काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो आपको दिखाता हूँ मैं शीशे में, और चलो फिर दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ तरह इस तरीके का टैटू है। हेलो, एक बार आप दिखाएंगे सर। तो ये अभी यहाँ पर अपने दोनों दोस्त भी आ चुके हैं और विपिन जी, ये बीच में साफ हो गए थे फिर जाके आए हैं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी अच्छा साथ दिए हैं, जब जब वीडियो बनाने बोला तब तक वीडियो बनाए हैं। तो आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और टैटू देख सकते हैं महादेव का टैटू भाई। बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं ये टैटू बनाने का, तो आज फाइनली बना लिया है, और इसके बाद अभी एक और सोचा हूँ, उसको देखेंगे 2 महीने बाद सर के पास आएंगे, जो कि है नारायण गाँव में। और ये देख सकते हैं आप, और विपिन जी आप ये यहाँ पर भी बना रखा है, एक मिनट साहब, तो यहाँ पर देख सकते हैं मशीन के साथ लिखा हुआ है टैटू स्टूडियो। सो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से, और काफ़ी देर हो चुकी है, 3 बज चुके हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, सर से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तो सर चलते हैं फिर, हैं फिर मिलते हैं आप लोग को। तो आप भी आइएगा कभी, जिसका भी मन हो टैटू बनाने का, ये DW स्टूडियो में बहुत ही अच्छा भाई, ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, बीच जो ऊपर ऊपर की साइड है त्रिशूल की साइड में, वहाँ पे जब भी रफ ऐसे पेंसिल का करते हैं ना, जैसे ऐसे टाइप में जो ये चीज़ है, तो उसमें थोड़ा दर्द हुआ था, बाकी में नहीं हुआ था। तो अभी चलते हैं, सर ने हमको बताया कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो इसमें नारियल तेल लगाना है, और जो चमड़ी निकलेगी 2-3 दिन बाद उसको अपने हाथ से नहीं खींचना है, वो खुद से निकल जाएगी, और उसमें साबुन नहीं लगाना है ना,
तो उसमें साबुन भी नहीं लगाना है। तो अभी चलते हैं, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, फिर आएंगे दोबारा, ठीक है? मोस्ट वेलकम। तो अभी चलते हैं यहाँ से और आपको मिलते हैं सीधा आगे जाके। सो गाइस अभी हम हैं मंचर पे और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली मेरे को, वो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो यार ये चेक कर सकते हैं आप, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महाद्वार। तो अभी हम हैं मंचर में और ये दो संता और बंता भी इधर ही हैं। तो अभी हम इधर से वापस चलते हैं रिजॉर्ट की तरफ, आपको मिलते हैं सीधा रिजॉर्ट पे। सो गाइस हम पहुँच चुके थे रिजॉर्ट पे और भाई काफ़ी ज़्यादा थक गए थे यार। उसके बाद मैं थोड़ा सा अभी हाथ में धो के आया हूँ और चेंज भी कर लिया हूँ। तो आपको टैटू वीडियो व्लॉग कैसा लगा ये बताना, और पहला टैटू मैंने महादेव के नाम लिखा है भाई, तो आप बताना कि कैसा लगा टैटू। और अभी यहाँ पर सुरेश जी जा रहे हैं सोने को। हेलो सुरेश जी, गुड नाइट। तो भाई सुरेश जी कह रहे गुड नाइट, ये अभी ड्यूटी से आ रहे हैं। तो अभी हम भी सो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। तो आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, ये वाला व्लॉग कैसा लगा। और आँखें भाई बहुत ज़्यादा पेन कर रही है क्योंकि गाड़ी चला के आया था और हवा बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ थी और डस्ट भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए अभी मुँह धो के आया हूँ, आँखें बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं। तो मैं भी आराम करता हूँ और आप व्लॉग को एंजॉय करिए, हम मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को गाइस शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, 300 करा दो यार फटाफट से, इतना देर क्यों लगा रहे हो आप लोग, तो जल्दी से 300 करा दो। हम मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड पीस आउट।